नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। मसूद अजहर को चीन बचाएगा तो भारत उठाएगा कड़े कदम। इस सप्ताह के आखिरी तक चाइना को आतंकी मसूद अजहर और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रतिबंध पर अपना रुख साफ कर देना होगा, अन्यथा भारत उसी के मुताबिक अगला कदम उठाएगा जो कि सख्त हो सकता है। भारत चीन के फैसले का इंतजार कर रहा है। एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर चीन अपने होल्ड को आगे नहीं बढ़ाता तो मसूद अजहर खुद ब खुद आतंकी घोषित हो जाएगा, साथ ही जैश ए मोहम्मद भी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अगर चीन अपने होल्ड पर कायम रहता है तो कमेटी इस मसले पर विचार विमर्श करने के लिए और भी वक्त लेगी। इस साल 5 नवंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डाभोल और चीन के रक्षा सलाहकार यांग जिएजी के बीच हुई बैठक में चीन ने साफ कह दिया था कि वह जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर अपने फैसला बदलने वाला नहीं है। यदि चीन ऐसा करता है तो यह उसकी छवि के लिए खतरनाक होगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन के फैसले के बाद लिए जाने वाले कई एक्शन पहले से ही तय कर रखे हैं। भारत कई दूसरे आतंकियों जैसे मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ असगर, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कुछ और आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रख सकता है। गौरतलब है कि चीन ने इस साल 31 मार्च को आतंकी मसूद अजहर को आतंकी घोषित किए जाने के रास्ते में अड़ंगा लगा दिया था। मसूद अजहर पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 देशों के समूह में अकेला चीन ही ऐसा था जिसने मसूद अजहर को आतंकी घोषित किए जाने के फैसले को होल्ड पर रखा था। अगर अजहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी घोषित कर दिया जाता है तो उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, उसके यात्रा करने पर भी रोक लगा दी जाएगी। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरुणाचल में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 5 अन्य को किया निलंबित। पुराने नोट रखने पर जेल नहीं, न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपए होगा। हुर्रियत नेता मसरत आलम कठुआ जेल से रिहा, फिर गिरफ्तार। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा, श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव पर भारत खामोश। बिलावल को पाकिस्तानी संसद में नेता प्रतिपक्ष बनाने की तैयारी।